सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही अच्छी जगह घूमने के लिए आए हैं। आज हम लोग पारसनाथ पहाड़ आए हैं, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और इसका पूरा लंबाई 11 किलोमीटर तक है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहाड़ चढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग के साथ बने रहें, हम आपको पहाड़ की पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे बीच बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर भी है और हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर चढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग के फ्रेंड्स हम लोग के पीछे पीछे आ रहे हैं और हम लोग आगे आगे चलते जा रहे हैं। और यह हम लोग थोड़ी सी बस चढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से और भी शायद से 10 किलोमीटर या 11 अभी और भी ऊँचा है ये पहाड़। देख सकते हैं यहाँ से नीचे का व्यू कितना अच्छा है। इधर वाला ना, फ्रेंड्स आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा एक बहुत बड़ा एक जंगल है और कितना हरा भरा लग रहा है, ये एकदम क्लीन लग रहा है। फ्रेंड्स, हमें रास्ता में एक मंदिर का दर्शन हो गया तो हमने सोचा कि चलिए आपको भी दर्शन करा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं। हमने आपको पहले ही बोला था ये बहुत ही घना जंगल है, ये हरा भरा जंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर। देख सकते हैं ये मेरे बड़े भैया है, कैमरा लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अभी फोटो शूटिंग करते हैं। और हम लोग यहाँ पर फोटो शूटिंग करने ही आए हैं। देखिए, इस पहाड़ में बहुत सारे बंदर घूमते हैं, इसीलिए हम लोग सबको यहाँ पर डंडा लेके घूम रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आइएगा तो अपने साथ डंडा रखबे करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। ये जो बूढ़े लोग इस पहाड़ को नहीं चढ़ पाते, वो ऐसे चार जन को बोल के एक दो चेयर रहता है, स्पेशल चेयर, उसमें बैठ के इस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान लग रहा था हम लोग को, मैं भी जाके बैठ जाता हूँ। हम लोग जब बैठ ही गए तब थोड़ा सा हम लोग नाश्ता भी कर लेते हैं। हम लोग नाश्ता का भी सामान लेके आए हैं यहाँ पर। हम लोग का नाश्ता फाइनली कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब सब कोई वापस से इस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर दिए। अब पता नहीं कहाँ पर बैठने का जगह मिलेगा। गाड़ी आवे। फ्रेंड्स, हम लोग को रास्ता में अच्छा हुआ कि नींबू पानी का एक स्टॉल मिल गया यहाँ पर। अब सबको हम लोग बैठ के नींबू पानी पी लिए, एकदम खट्टा मीठा नींबू पानी था। 15 रुपये में एक गिलास नींबू पानी दे रहा था और यहाँ पर वाटर बोतल सब भी थे, तो हमने 2-3 वाटर बोतल अपने साथ रख ली और नींबू पानी पी के हम लोग वापस यहाँ से ऊपर चढ़ने की तरफ चल गए। हम लोग अभी ठहरे हैं पहाड़ के ऊपर, 5 किलोमीटर आए हैं और यहाँ नींबू पानी पीने के लिए रुके हैं सभी। तो चलिए नींबू पानी पीते हैं और आप लोगों को ब्लॉग में फिर से मिलते हैं।
गणेश। ओ